वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर के देखो, शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री जी ने, प्रेमचंद बैरवा जी ने तो बोला है नई कॉलेजें 20 खोली गई हैं और पहले से बहुत सारे पद रिक्त चल रहे हैं। देखो आएंगी तो भी 65,000 के आसपास मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग में भर्ती आनी चाहिए। अभी साल में निकालते हैं, 1.5 साल में निकालते हैं राम जाने, बट निकालेंगे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा निकाली जाती थी, पिछले भी हुई थी 2021 में हुई थी या 22 में, शायद 21 में हुई थी, ठीक है, उसी एंटिटी के तहत ये एलिजिबल है, याद रखना। ईसीसी का एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ गई न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो ईसीसी का डिप्लोमा भी इग्नू करवाती है, जिसको नाम दिया इन लोगों ने डीपीएससी, ये नाम भी इसी का ही है। ये डिप्लोमा आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिप्लोमा प्रोग्राम मतलब प्री स्कूल एजुकेशन। और एक नाम और बता रहा हूं मैं, डीईसी डिप्लोमा, चाहे डीपीएससी का आपके पास डिप्लोमा हो, डीसी का डिप्लोमा हो, एनडीटी यदि आपने कर रखी है और ईसीसी का डिप्लोमा यदि आपके पास है, तो आप सब इसके अंतर्गत एलिजिबल हो सकता है। रही बात के सर ये क्या परमानेंट गवर्नमेंट वैकेंसी आ रही है, एक छोटी सी न्यूज़पेपर की कटिंग थी और उस कटिंग के आधार पे अनुमान लगाया गया कि राजस्थान में लगभग 8,500 की भर्ती होने वाली है। सोच के देखिए, लगभग 23,000 के पद सेकंड ग्रेड के खाली हैं, लगभग स्कूल प्रिंसिपल की डिपीसी होने के बाद 17-18 हजार स्कूल व्याख्याता के पद खाली हैं, और लगभग ये माना गया है कि 18 से 23 हजार के बीच में ग्रेड थर्ड के पद खाली हैं। बाल वाटिकाएं अभी पूर्णतः क्रियान्वित हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी राजस्थान में भी पूर्णतः क्रियान्वित नहीं हुई है।